अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं तो एक पर्सन को शेयर मार्केट की बजाय अपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, इन्वेस्ट करने का मतलब, हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि वो हमें कमा के दे। अगर आप शेयर मार्केट को बिल्कुल क्लोजली स्टडी करोगे या आप रिसर्च देखोगे तो आप एनुअली मैक्सिमम 20% का रिटर्न ले पाते हो। ये हाईएस्ट है कि देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, आपकी जो एफडी में इन्वेस्ट करते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हो, तो उन सबसे बेटर होता है आपका जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो। लेकिन अगर बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के तो आसपास भी कहीं पे नहीं होती शेयर मार्केट। देखो, वहां पे आप एनुअली ले रहे हो शेयर मार्केट में, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। सोच करो, आपने 50,000 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और 50,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो जो शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है तो वो साल के बाद आपका 20% का आपको रिटर्न देगा, यानी आपको 10,000 रुपए वो कमा के देगा। मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो कम ज्यादा, मैं 20% लगे के चल रहा हूँ पॉजिटिव वे में, नेगेटिव भी हो जाता है शेयर मार्केट में, बिजनेस में भी हो जाता है, ये तो चलता ही रहता है नफा नुकसान। तो क्या है, वो आपको साल में कमा के देगा। लेकिन अगर सोच करो, देखो, बिजनेस को स्टेबल करने में ज्यादा टाइम लगता है। जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप दूसरों के बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो, तो वो एस्टैब्लिश बिजनेस है, एस्टैब्लिश बिजनेस पे आप पैसा लगा रहे हो और आप शेयर मार्केट में एक गेम खेल रहे हो कि उसके वो अच्छा कर रहा है तो उसके रेट बढ़ रहे हैं उन शेयर्स के, और वो खराब कर रहा है तो उसके गिर रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप बिजनेस पे, अगर सपोज करो आप 50,000 अपने बिजनेस पे लगा रहे हो वहां पे, तो क्या होगा कि आपने एक प्रोडक्ट बनवाया वहां पे, जब आप उसको सेल करने जाओगे तो आप सपोज करो 10% या 20% मार्जिन पे उसको बेचते हो, तो वो अगर आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको महीने में निकाल दो। स्टार्टिंग में देखो टाइम लगता है 2-3 साल का, आप ना भी निकाल पाओ, पहला बैच आप एक्सपायर भी कर दो और आपने 50,000 में से 10-20% के लॉस के हिसाब से या 50% के लॉस के हिसाब से आप, हो सकता है वहां पे आपको लॉस हो, लेकिन उसके बाद आप जब आपका बिकना शुरू होता है तो उस 50,000 से 10,000 रुपए कमाना, 20% प्रॉफिट कमाना, वो आप 10 दिन में भी कमा सकते हो, 20 दिन में भी कमा सकते हो, महीने में भी कमा सकते हो, तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बिजनेस में जो मूवमेंट होता है पैसे का, जो सर्कुलेशन होता है, वो शेयर मार्केट या किसी भी और इन्वेस्टमेंट की तुलना में बहुत जल्दी जल्दी होता है। शेयर मार्केट में हमेशा ही आप एनुअली 50,000 रुपए 20% के हिसाब से 10,000 रुपए कमाओगे, फिर आप एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा सकते हो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपका बनता जाएगा। लेकिन बिजनेस में वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने 50,000 आज इन्वेस्ट किया है तो वो साल के अंत में 5 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। देखो, 0 तो दोनों चीजों में हो सकते हैं, बात ये नहीं होती कि रिस्क फैक्टर अपने अपने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस में आप कमाओगे, बहुत बंदे थोड़े टाइम बाद बंद भी कर देते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर दोनों में ही होते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूं, आपको मल्टीप्लाई करना है पैसे को, तो वो बिजनेस में शेयर मार्केट की तुलना में काफी जल्दी जल्दी हो सकता है। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आप में कैपेबिलिटी कितनी है, और लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो, क्योंकि जो आप एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन है बिजनेस के बारे में मार्केट में, इसको एक्चुअली बहुत हाईलाइट किया गया है, बहुत माचो टाइप का दिखाया गया है। लेकिन जब आप अपने बिजनेस में आते हो तो आपको बहुत लॉनली काम करना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है, इतने लंबे टाइम तक आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपने स्टाफ भी नहीं रख सकते ज़्यादा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं कर सकते, आपके खुद के खर्चे ही निकलते हैं, वहाँ पे मुश्किल होते हैं। तो वो चीज़ें, वो पीरियड जो आपका सर्वाइवल पीरियड है, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही रीजन है कि 1-2% बिजनेसेस ही सक्सेसफुल होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हो कि आपकी मिसकैलकुलेशन है, नहीं है, आपने अच्छा प्रोडक्ट चूज नहीं किया, आपने ये नहीं किया, एक्चुअली प्रोडक्ट तो अपने आप चूज हो जाते हैं, लेकिन जो ये सर्वाइवल पीरियड होता है, इसको निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस वहां पे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड को निकालने की कैपेबिलिटी रखते हो, और जो आपकी मार्केट है एक वो ब्रॉड मार्केट है, एक अच्छी बड़ी मार्केट है, जिसमें चाहे आप आयुर्वेदिक में लगा लो, फार्मा में लगा लो, देखो मैं उन्हीं चीजों की बात करता हूँ, और किसी चीज में आईटी सेक्टर में या उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है। फार्मा की मार्केट बहुत बड़ी है, कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी है, आयुर्वेदिक की बहुत बड़ी है, न्यूट्रास्यूटिकल की बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी मार्केट है। और आप वो जो रनिंग प्रोडक्ट
आया है किसी किसी प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर है वो 1,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, लेकिन अगर आप उसमें से 10 लाख की भी सेल नहीं निकाल पाओगे तो वो देखो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है मेरे को। आप अगर टिक जाते हो इन सब सेक्टर्स में और वो सर्वाइवल पीरियड निकाल लेते हो तो आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपका काम भी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सर्वाइवल पीरियड निकालना और वो लॉन्ग आवर्स के लिए अकेले काम करना, बहुत मेहनत करना, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप वो कर सकते हो तो बिजनेस शेयर मार्केट से कहीं गुना ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, और वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर रहता है। और मैं यही बहुत बार बहुत अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ उनको शेयर मार्केट में पैसा लगाते हुए, लेकिन मैं उनको हमेशा कंपेल करता हूँ कि आप अगर 50,000 या लाख रुपए आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो तो आपको एक बार या दो बार अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके वो इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे करने की जरूरत है। नहीं अपने प्रोडक्ट पे करते हो आप तो किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेके, उसकी फ्रेंचाइजी लेके, तो उस पे करके वहां पे आपको मेहनत करके एक बार देखने की जरूरत है। और अगर आप वो करोगे तो आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने लगाने की कोशिश की है, कुछ लगाया है, लेकिन अब मैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता। मेरे को अगर कहते हैं कि ये शेयर आज 10 रुपए का है, कल ये 1,000 रुपए का हो जाएगा, तो मेरे को लगता है यार मैं अगर 20,000, 30,000 या 50,000 किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करूंगा तो कल हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 5 करोड़ की सेल दे दे मेरे को, और अगर 20% के हिसाब से भी लगाता हूं तो मैं, और दूसरी बात कि वो प्रोडक्ट हमेशा मेरे को लॉयल्टी में रखेगा, मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसे उसमें इंप्रूव करता हूं, ना कि वो मार्केट के दूसरों की अफवाहों पे डिपेंड करेगा कि किसी ने कह दिया ये शेयर ऊपर जाएगा, या उस कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हो गई तो उनके डिसीजन कुछ गलत हो गए तो वहां पे वो शेयर नीचे आ जाएगा। लेकिन वो जो जिन फैक्टर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो उस पे पैसा लगाने की बजाय मैं जिन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, तो मैं उन पे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। बाकी चीजें सारी अच्छी होती है। और मैंने एक और चीज देखी है कि अगर मैं 10% की बात सुनूंगा, अगर आप किसी और पर्सन की बात सुनोगे जो शेयर मार्केट को मेरे से अच्छा जानता है, तो वो उस चीज को बेटर बताएगा। मैं बिजनेस को शेयर मार्केट से ज्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि मेरे को नॉलेज शेयर मार्केट में ज्यादा है, तो उसी हिसाब से मैं उसको बेटर बताता हूँ। मैं नहीं कहता कि आपको मेरी बात मान के चलनी है। आप 10-15 बंदों को, जो जिनको भी आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट मानते हो, तो उनको आपको सुनना जरूरी है। उसके बाद आपको निचोड़ निकालना जरूरी है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि जब मैं 10-15 बंदों को सुनता हूँ तो मेरे को सबकी बात अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद कई बार मैं किसी एक पर्सन की बात मान के अंधविश्वास करके मैं काफी बार कुछ डिसीजन ले चुका हूं, लेकिन वो मेरे लिए फिर लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि सबकी बातें सुनता हूं, सबकी मेरे को अच्छी लगती है, फिर मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से ही मैं आगे स्टेप लेता हूं। तो आपको भी बहुत सारे पर्सन की बातें यहाँ पे सुनने की जरूरत है, उनको एक एनालिसिस करने की जरूरत है, उसके बाद डिसाइड करने की जरूरत है कि आपको शेयर मार्केट में जाना है या फिर आपको बिजनेस में जाना है, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। क्योंकि हो सकता है कि आप लंबे टाइम तक काम करना नहीं चाहते हो, आप में मेहनत करने की बजाय इन्वेस्टमेंट वाले गुण ज्यादा हो, आप शेयर मार्केट को ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो बजाय इसके कि आप बिजनेस की जो कैलकुलेशंस है उनको अच्छी तरह कर पाते हो। तो उसके बाद सबकी बातें सुनिए, फिर एनालिसिस करिए कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है आपने या फिर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ। तो सबकी बात सुन के फिर आप एनालिसिस करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस में या शेयर मार्केट में।